आज की चर्चा में शुरू करती हूँ शीतल जी से कि शीतल जी, अमित मालविया का ये ट्वीट आखिर किस बात का संकेत देता है? वो इस बात को लेकर शक पैदा कर रहे हैं, लोगों के मन में ये बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वो कुछ कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि भारत के हित में नहीं होता है, या फिर हम ये कहें कि वाकई में अब राहुल गांधी के दौरे से बीजेपी घबरा चुकी है। जी शीतल जी, देखिए अमित शाह, ये सॉरी, हमारे जो आईटी सेल के चीफ हैं मालवीय जी, ये जिस पार्टी से हैं उस पार्टी की देश में सत्ता है। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश अब हो चुका है। हम एक सार्वभौम देश है, 75 साल से ज्यादा अब हमें आजाद हुए हो चुका है। आज हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया गया है अमेरिका में, वो पहुंच रहे हैं वहां की संसद को संबोधित करने के लिए, दोनों सदनों के लिए। तो ये हमारा मान सम्मान है, इसके पहले हमारे बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसा कर चुके हैं। तो अगर राहुल गांधी जी विदेशों में कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनको, जैसा मालवीय साहब चाह रहे हैं कि हम शक करें जिस पर, तो उसमें शक की गुंजाइश इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो सरकार में है। वो हमें पुख्ता जानकारी दें कि ऐसा कौन सा काम राहुल गांधी कर रहे हैं वहां, किससे मिल रहे हैं, जिससे देश की स्थिति खतरे में हो सकती है या नुकसान हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं वो। ऐसा सिर्फ आप एक संदेह पैदा करके राजनीति करना चाहें तो वो बात बनती नहीं है। आपको जिम्मेदारी से, आप चूंकि सरकार में हैं तो आपको जिम्मेदारी से बताना होगा कि भाई ये गलत है, ये गलत आदमी है, ये हमारे देश के ऐसे नुकसान कर रहा है, ये फलाना है, ये फलाने केस में वांटेड है या धमाका है। सब तथ्य होने चाहिए, स्पेकुलेटिव चीजों से बात नहीं होती। इस तरह से प्रचार तो दुष्प्रचार होता है जो कि हो रहा है और होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता है तब तक, बल्कि ये सिर्फ राजनीति एक तरह से कह कार्रवाई जैसा बनता है और कार्रवाई जैसा ही रह जाता है। हमारे यहाँ और सभी जगह लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं उनको जवाबदेह और जिम्मेदार होना होता है, उसमें कोई उनके लिए इधर उधर एस्केप का ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर सरकार या उनके प्रतिनिधि इस तरह की बातें करेंगे जिनमें जवाबदेही का अभाव होगा और जिम्मेदारी का भी अभाव होगा, तो उससे वो बात गंभीर नहीं रह जाती, हल्की हो जाती है। और ऐसी कोशिश, चूंकि वो आईटी सेल चलाते हैं, दिन में कई बार उन्हें बहुत तरह की ऐसी कोशिशें करनी होती हैं जिससे वो अपना रिलेवेंस, अपने दल का रिलेवेंस, अपनी नीतियों का रिलेवेंस साबित कर सकें, और जो उनको चुनौती दे रहे हैं उनको इररिलेवेंट साबित कर सकें। इसलिए हम इसको एक ऐसी ही एक हर में देख सकते हैं। और इससे हमें तो ये लगता है कि सबसे राहुल गांधी को आज के युग दौर में तो फायदा हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार नोटिस में है, लगातार बीजेपी के आईटी सेल द्वारा नोटिस में लिए जाने की वजह से भी उनकी नोटिस और बढ़ रही है। पब्लिक नोटिस जो है वो बढ़ रही है, और मुझे लग रहा है उनकी स्वीकार्यता भी तुलनात्मक रूप में बढ़ रही है। ये सही है कि गैप दोनों में बहुत था, जो कि व्यक्तिवादी राजनीति पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में इस देश में स्थापित हो चुकी है। तो हर बात ये होती कि राहुल जी कहाँ है, मैं समझता हूं कि वो गैप था, काफी बड़ा गैप, लेकिन वो गैप